हेलो, आज का क्वेश्चन आया है स्पिरुलिना के बारे में, बताओ। स्पिरुलिना, इसको अगर हम सप्लीमेंट बोलेंगे या इसको हम कॉल कर सकते हैं हर्बल मेडिसिन, तो इसमें रॉन्ग नहीं होगा। ये एक्चुअली है क्या स्पिरुलिना? आपने सुना होगा एलजी, एलजी जो होता है स्वीट मीठे पानी या नमकीन पानी, तालाब, समुंदर, ओशन, नदियाँ, नाले, रिवर्स, हर तरफ आपको ये मिल सकता है। ये एक लेयर होती है पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की, डिपेंडिंग ऑन द पानी, समटाइम ग्रीन, समटाइम येलो हो सकती है। ये इसको मोस्टली मछलियाँ खाती हैं। इसको हम बैक्टीरिया भी कॉल कर सकते हैं, ये बैक्टीरियाज होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये आप ऑक्सीजन और जो सूरज की किडनी होती है उससे वो एनर्जी लेते हैं, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ये बनता है। काफ़ी बेनिफिट है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन है। और इसके अंदर जो मोस्टली डाला जाता है कॉपर है, आयरन है, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, 6, वाइटामिन B12 और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं और इसके अलावा और वाइटामिन्स हैं। और एक्चुअली इसको ये वर्ल्ड में फेमस तब से ज़्यादा हुआ है जब नासा ने इसको क्लेम किया था कि ये काफ़ी बेनिफिट करते हैं। जो उनके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो खुला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, वो इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी लेस छोटी अमाउंट से आपको न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रॉपर मिल रहे होते हैं। और समटाइम आप इतना जो इतने मीट या कुछ डिफरेंट आप चीज़ें खाते उससे आपको ये न्यूट्रिशन नहीं मिलती, जो आप इन ये छोटे से सप्लीमेंट से आपको न्यूट्रिशन मिल सकती है। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। ईजी टू बाय है, किसी हर्बल शॉप, मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट देखते हैं, इसमें कितने बेनिफिट कितने हैं। फर्स्ट ऑल, अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको मैनेज करता है, आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर लेकर आता है। आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है और उसको मैनेज करता है, और जो आपके ब्लड के अंदर जो फैट हो वो भी आपके ब्लड से आउट करता है। इसके अलावा ये आपको हेल्प करता है, अगर आप डायबिटीज टाइप 2 हो तो आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। आपके डायबिटीज को मैनेज करके आपके ग्लूकोज का जो इंसुलिन लेवल होता है उसको मैनेज करता है, आपकी जो बॉडी रेजिस्टेंस होती है इंसुलिन के तो उसको अपने प्रॉपर फंक्शन पे लेकर आता है। इसके अलावा एंटी कैंसर की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। हाउएवर इसके हमें इतने एविडेंस नहीं मिलते कि इसको हेल्प करता है एंटी कैंसर के लिए, मगर इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको हेल्प कर सकता है एंटी कैंसर के, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी इन्फ्लामेटोरी। जब एंटी इन्फ्लामेटोरी होगी तो आपकी बॉडी खुद ही फाइट करती है एनी काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर जो डिस्टर्ब करते हैं लाइक कैंसर हो गया, कोई और डिफरेंट डिजीज होगी, उनके खिलाफ फाइट करता है। इसके अलावा इसको मीन ये एंटीऑक्सीडेंट है, जितने फ्री रेडिकल्स होंगे आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी के सेल को डैमेज कर सकते हैं उनको आपकी बॉडी से साफ करता है। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा जो प्रेगनेंट लेडीज होती हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपको आयरन की कमी होती है, एनीमिया होता है, तो इससे भी आपकी आयरन की कमी को पूरा करता है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंट हो तो आप और आपके बच्चे जो प्रेगनेंसी के अंदर होता है तो आप में एक और ज़िंदगी होती है, एक लाइफ और होती है, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। या फिर छोटे बच्चों को जब आयरन की डेफिनेशन हो तो उसको भी दे सकते हैं, और अडल्ट लोगों को भी इससे आयरन ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड का इजाफा करता है। नाइट्रो ऑक्साइड जब इजाफा होगा तो आपके जो आपका ब्लड का लेवल होगा वो नॉर्मल होगा, आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा, और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर तो उसको मैनेज करता है। और नाइट्रो ऑक्साइड जो आपके वसल्स को रिलैक्स करता है, जो मोस्टली मेल समटाइम डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं लाइक फर्टिलिटी के लिए, उनके इरेक्शन के लिए, तो इससे भी इसको बेनिफिट हो सकता है। इस चीज़ के लिए आपको आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए, आपके स्ट्रेंथ के लिए, ये एंटी हिस्टामिन का भी काम करता है। मीन अगर आपको एलर्जी होती है, मोस्टली आपका जब नाक बह रहा होता है तो उसके लिए आप स्प्रे वगैरह यूज़ कर रहे हैं या आप एंटी हिस्टामिन लेते हैं लाइक सेट्रोजिन हो गया या कोई और, तो ये भी आपको हेल्प करता है अगेंस्ट एलर्जी के। तो इसके ओनली बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को एवरीडे आप लाइफ से ले नहीं सकते, तो आपको आउटसाइड से सोर्स होता है, तो ये वन ऑफ द गुड सोर्स है जिससे आप अपने न्यूट्रिशन पूरे कर सकते हैं। और इसमें स्टिल हमें कुछ एविडेंस चाहिए कि इसके और कितने बेनिफिट हैं। जो मेन इसके बेनिफिट है वो मैंने आपको रिकमेंड कर दिए, आपको बता दिए हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं टिल 6 मंथ। 10 मिलीग्राम इसको आप यूज़ कर सकते हैं टिल 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यह हेल्प करता है आपकी बोन्स के लिए, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब हम थोड़ा एज होते हैं तो हमारी बोन्स में वीकनेस हो जाती है, डिफरेंट काइंड टाइप सी हमें
ऑस्टियोपोरोसिस या डिफरेंट काइंड के ऑर्थराइटिस हो सकती हैं, तो उनके लिए भी हमें हेल्प करता है कि बोन अगर आपको रिकवर करने में अगर आपको कोई डैमेज हो जाए आपको हेल्प करता है काफ़ी। और इसमें ऑलमोस्ट ऑल आपको न्यूट्रिशन मिलती हैं जो अब नॉर्मल हमारी बॉडी को जरूरत होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं तो आप अपने फार्मेसिस्ट के पास जाएं, आप अपनी लाइफ अपनी हेल्थ की हिस्ट्री बताएं तो आपको रिकमेंड करेंगे कि सम टाइम ये आपके डिफरेंट ड्रग के साथ कहीं इसका टकराव ना हो। तो इसलिए हमेशा होता है कि आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, आप कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, सम टाइम आप ब्लड थिनिंग वाले टैबलेट्स लेते हैं या कोई एलर्जी की, तो कहीं आपको ये इसका साइड इफेक्ट ना हो। इसके अलावा और अगर कोई क्वेश्चन हो यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ इन योर फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।